जातीय क्रीड़ा पुरस्कार वितरण उत्सव पुरस्कार प्रदान करुछंति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम हाथ पुरस्कार ग्रहण करुछंति जातीय क्रीड़ा पुरस्कार वितरण उत्सव रे उत्कृष्ट गोल्फर सुश्री दीक्षा डागर ने 2023 बरून चेक गणराज्य में आयोजित महिला चेक ओपन की चैंपियन है। 2023 बर्लिन जर्मनी में आयोजित आमुंडी जर्मन मास्टर की दूसरी उप विजेता और 2020 ओलंपिक में भारतीय टीम की सदस्य थीं। सुश्री दीक्षा डागर को गोल्फ में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री दीक्षा डागर श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री कृष्ण बहादुर पाठक ने 2023 को चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में एक स्वर्ण पदक 2023 को चेन्नई में आयोजित एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में एक स्वर्ण पदक और 2022 को बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल में एक रजत पदक जीता। श्री कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण बहादुर पाठक सुश्री पुख रामबम सुशीला चानू हॉकी की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री पुख रामबम सुशीला चानू ने 2023 को चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में एक कांस्य पदक 2022 को इंग्लैंड में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल में एक कांस्य पदक और 2022 को वैलेंशिया स्पेन में आयोजित FIH नेशंस कप में एक स्वर्ण पदक जीता। सुश्री पुखरामबम सुशीला चानू को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री पुखरामबम सुशीला चानू श्री पवन कुमार कबड्डी के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री पवन कुमार ने 2023 को हांगशू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में एक स्वर्ण पदक और 2019 को काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई गेम्स में एक स्वर्ण पदक हासिल किया। श्री पवन कुमार को कबड्डी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री पवन कुमार जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।